नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा आपका स्वागत करता हूं दखल न्यूज़ में। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 दिवसीय बिंद दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल आज 5 सभाओं को संबोधित करेंगे। इन सभाओं में वे ग्रामीणों और किसानों से संबंधित ज़्यादा मुद्दे उठा सकते हैं, साथ ही कई मुद्दों पर बीजेपी पर निशाना साध सकते हैं। व्यापम घोटाले में कांग्रेस का कोर्ट जाने का दाव उल्टा पड़ गया। भोपाल जिला अदालत के आदेश के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, विसिल ब्लोअर प्रशांत पांडे के खिलाफ श्यामला हिल्स पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। कांग्रेस के इन नेताओं पर IPC की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को कथित CD कांड मामले में जमानत मिल गई है। कोर्ट ने बघेल को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इससे पहले कथित CD कांड में आरोपी बनाए गए भूपेश बघेल ने जमानत लेने से इनकार कर दिया था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के इस विशेष संवाददाता संजीव पचौरी जी। जी संजीव जी, क्या है पूरा मामला? बता दूं आपको कि आज से करीब 1 साल पहले एक CD बांटी गई थी, जो CD यहाँ के मंत्री राजेश मूणत जी की थी। और इस CD के बारे में ये बताया गया था कि किस तरह से राजेश मूणत जी एक एक अश्लील हरकत करते हुए दिखाए गए थे, जबकि वो बाद में मालूम पड़ा कि CD जो है नकली थी। और इस CD को बनाने में कई लोगों का हाथ माना जाता था। यहाँ तक बात आई कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेश बघेल जी, और उनकी भी एक भूमिका बताई जा रही थी कि उनके पास CD वगैरह थी। कांग्रेस ने लगातार ये मांग की थी कि इस पूरे मामले की जांच CBI से कराई जाए। CBI ने जांच की, CBI जांच में कुछ लोग आरोपी बनाए गए। इस बीच भूपेश बघेल जी ने जब न्यायालय में उनको पेश किया गया, चालान CBI ने पेश किया, उन्होंने जमानत लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होगा वो जमानत नहीं लेंगे, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से 2 दिन बाद ही उनका मन बदला और उन्होंने अब जमानत ले ली है। जी, भूपेश बघेल के जमानत से कांग्रेस को कितना फायदा होगा संजीव जी? जी, ऐसा है कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जेल जाने और जेल में से जमानत ना लेने और फिर जेल से जमानत ले लेने कोई फायदा होने वाला है, ऐसा नहीं है। मतदाता अब सब कुछ जानता समझता है और मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी को इस पूरे प्रकरण से कोई फायदा होने वाला है, बनिस्पत नुकसान ना हो जाए कहीं। धन्यवाद संजीव जी सारी जानकारी के लिए। इंदौर से मलाजखंड जा रही यात्री बस में सुहागपुर पहुंचकर आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस का पहले टायर फटा, उसके बाद चिंगारियां निकलने से बस आग की चपेट में आ गई। बस यात्रियों से भरी हुई थी। आग लगने के बाद आसपास के लोगों ने यात्रियों को बस से निकाला। व्यापारियों के बड़े संगठन कैट के आह्वान पर आज भारत बंद रहा। भारत बंद का असर राजधानी भोपाल में भी देखने को मिला, जहां व्यापारियों ने विरोध के चलते अपनी दुकानें बंद रखी। दवा व्यापारियों ने भी ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में अपनी मेडिकल स्टोर बंद रखे। बंद का व्यापक असर भोपाल के दवा बाजार में देखने को मिला। भोपाल के केमिस्ट एसोसिएशन के अगुवाई में मेडिकल स्टोर बंद रखे गए, विरोध में नारेबाजी भी की गई। व्यापारियों ने FDI और ऑनलाइन बिक्री पर कड़ी आपत्ति जताई और विरोध दर्ज किया। जगह जगह विरोध में बैनर और पोस्टर लगाकर बंद की जानकारी दी गई। विरोध के चलते मरीजों को दवा न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ा। इस सारी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यम शर्मा। जी सत्यम, कैसा रहा बंद का असर? अनुराग, मैं बताना चाहूंगा, कैट के द्वारा जो बंद का देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया था वो लगभग सफल रहा। भोपाल की बात करें तो भोपाल में छोटे बड़े व्यापारियों ने अपनी दुकानें दोपहर शाम 4 बजे तक बंद रखी। उसके साथ साथ जो मेडिकल के लोग थे, जो मेडिकल के स्टोर थे, वो भी बंद रहे। हालांकि जो प्राइवेट निजी हॉस्पिटल्स थे और जो सरकारी हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टोर थे, उनको खोल के रखा गया जिससे मरीजों को असुविधा ना हो। बाकी बंद पूरे तमाम देखने को मिला, पूरे भोपाल, मध्य प्रदेश के साथ साथ भोपाल में भी बंद देखने को मिला। सत्यम, मैं एक बात और जानना चाहेंगे हम कि आपने जब दुकानदारों से बात की तो उसके बाद दुकानदारों का क्या कहना था इस बंद के ऊपर? जब हमने दुकानदारों से बात की, मेडिकल चाहे मेडिकल स्टोर की बात हो या छोटे या बड़े व्यापारी की बात हो, सबसे बात की हमने, तो उनका साफ कहना था कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिक्री की सुविधा दी गई है, जो जो कि वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने
दोनों ने मिलकर के ये पीछे के रास्ते से एंट्री किया। इससे जो छोटे व्यापारी हैं, जो खुदरा व्यापारी हैं, उनके आजीविका में परेशानी आएगी, उनको उनको मुश्किल पड़ जाएगा। क्या दुकानदारों ने ऑनलाइन बिक्री की और ये जो FTI है उसका भी विरोध कर रहे थे जी सत्यम? एक एक क्या दुकानदारों ने अभी शासन या प्रशासन से किस किस इस मुद्दे पर बात की है? जी, दुकानदारों, छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारियों का ये कहना है कि अगर उनकी ये FTI और ये FTI की मांगे जो कम करने की मांगे हैं उनकी नहीं मानी गई तो आगे चल के वो बड़ा आंदोलन भी करेंगे। इस आंदोलन में सभी का सहयोग रहा, जैसे आज के ही आंदोलन में 500 करोड़ का के व्यापार का लगभग घाटा हुआ है अकेले भोपाल में ही, तो उससे पता चलता है कहीं कहीं सरकार बैकफुट लेगी, क्योंकि FDI का जो मामला है, जो छोटे व्यापारी, जो खुदरा व्यापारी है, चुनाव का समय है और उसमें चुनाव के समय इसके चलते हुए सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इस मुद्दे पे ऑनलाइन कंपनियां जो जैसे कि वॉलमार्ट या अदर कंपनी जो भी है उनका क्या कहना है? देखिए, वॉलमार्ट और जो जो वॉलमार्ट है, फ्लिपकार्ट है, जो जिनके सहयोग से डील इनकी आपस में डील हुई है, उसके सहयोग से इनका कहना है कि जो ग्राहक है उनको डायरेक्ट 20% का मुनाफा दिया जाएगा, क्योंकि जो ये बीच में जो 20% का घाटा ग्राहकों को लग रहा था वो सीधे सीधे वॉलमार्ट से और फ्लिपकार्ट की खरीदी के द्वारा उनको 20% का मुनाफा मिलेगा जी, तो ग्राहकों के लिए फायदा रहेगा, ऐसा वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का कहना है। धन्यवाद सत्यम तमाम सारी जानकारी के लिए। ये थे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा, जिन्होंने बताया कि वॉलमार्ट और बड़ी कंपनियां जैसे ऑनलाइन कंपनियां जो थीं उन्होंने ये बात कही थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए दखल न्यूज़ के साथ।